सो ओएसएससी सीजीएल आ रही 2023 नोटिफिकेशन आसी जाइए यू ऑल नो मु शेयर करी एंड 14 तारीख रु फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गलन तो आज थर्ड डे बहुत जन फॉर्म फिलिंग करते के सारा डिफिकल्टीज फेस कर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सब बड़ डाउट बहुत जन पिला से पोस्ट प्रिफरेन्स कथ कौन आई जो मेन्स एक्जामिनेशन आ प्रिलिम्स हाबाक जाऊँ तार जो दुटा लेवल से सीबीआरई मोड या मेन्सटा जो आमर हबार अच्छे से कौन पूर्व तरह परीक्षा डेस्क्रिप्टिव हम कि ना सो सब जिन वीडियो में डिस्कस करी मु डिटेल सिलेबस केमी फॉर्म फिलिंग कर सिलेक्शन प्रोसेस सबकि वीडियो में सेयार करदे तो वीडियो को स्टार्टिंग एंडिंग पूरा देखिद सब जिन क्लीयर होतापर फॉर्म फिलिंग कर के सारा जिनस अच्छे इंपोर्टेंट से मार्क करार अच्छे मुझे आग तुम को डिटेल एडवर्टाइजमेंट को तो एडवर्टाइजमेंट आई थिंक समस्त देखी सारे ये पूर्वतर मुझ ब्रीफ भी करदे तो डेट ऑफ जो अप्लाई एप्लीकेशन डेट आम अच्छे यहाँ 14 रु नहीं कि 11 जाए अच्छे तो बेटर हम तुम यही 5-6 दिन भितर फॉर्म फिलिंग सार दियो काम कहीं भी कटर लेट को रख पुणी सेंटर मिल न मिल जेटा या भितर ग्रुप बी आ ग्रुप सी पोस्ट अच्छी ठीक अच्छे आईरे टोटल पोस्ट जो अच्छी ये देख सब ग्रुप बी ग्रुप बी ग्रुप बी कहीं अच्छे ग्रुप सी अच्छे तो टोटल टोटल जो पोस्ट अच्छे यहाँ आम 495 पोस्ट अच्छे ठीक अच्छे तो ताकि ग्रुप सी रोस्ट अच्छे और ग्रुप बी रोस्ट अच्छे नेक्स्ट तुम मानक कौन करार अच्छे नेक्स्ट देखार अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस ओके तो हियर इट इज यू कैन सी जे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई हो दैट मीन प्रीलिम्स जो अच्छे जो सीबीआरई मोड अच्छी आगे डिटेल तले अच्छे देख ये आउट मानने पूरा डिटेल कैटेगरी वाइज यूआर रे रही है एससी बीसी रे एससी रे तो ये पूरा डिटेल देखिए देख ध्यान दे कि तापर तुम तुम से जिनस ओके नेक्स्ट आम आसवा क्वालिफिकेशन आई थिंक समस्त जानी थी क्वालिफिकेशन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एज लिमिट आउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये दुटा आमको दरकार सब तो मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 38 इयर्स एज ऑन 1/1/2023 ओके 1/1/2023 हिसाब से तुम एज के ओके से हिसाब से देख एंड बैचलर्स ऑफ डिग्री तुमको दरकार ग्रेजुएशन कंप्लीट हवा दरकार विथ प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट ईमेल वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन बिकॉज या उपर आईडिया रहा दरकार से जिन तुमको ईएस मारे पड़ो देन अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अच्छी 5 वर्ष एससीबीसी एससी एसटी और ऑल वुमेन मानक दैट मीन 43 इयर्स हो 10 वर्ष पीडब्ल्यूडी पिलाई ओके नेक्स्ट आम जा प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन विच इज वेरी इंपोर्टेंट गाइज कोई भी एग्जाम तुम्हें देवाक जाऊ ना तो आगे ये जिनसा आगे भलसे देखीदेव देख ए एग्जाम दुटा स्टेज अच्छे स्टेज वन एंड स्टेज टू ओके स्टेज वन एंड स्टेज टू दुटा स्टेज देखिए स्टेज थ्री हूँ सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन से स्टेज टू नुहे स्टेज वन तुम प्रिलिम प्रिलिमटा हूँ 150 मार्क तो पूर्व वर्ष कथ जी हाँ ये मानते जमी सब्जेक्ट भी अच्छे सब्जेक्ट तो आगे देखा पूर्व वर्ष जमी मार्क डिस्ट्रब्यूशन होता 75 फ्रम मैथ्स ता भितर 45 थिला तुम एरिथमेटिक डी आई थी तुम हूँ बाकी 30 है तुम रिजनिंग रू थिला 36 क्वेश्चन आ बाकी तुम जीएस आउ 21 आउ 18 एमती थिला हूँ तुम कंप्यूटर आउ जीएस मिसिकी तो तापर देछि एठी डिटेल्स यू कैन सी हियर द डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स तो पूर्व वर्षर एमती थिला सीबीआरई मोड होता ए वर्ष कौन हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन कौन रण ना दैट वी विल कम टू नो इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसेस माने विद इन यू नो 10-15 दिन भितर फॉर्म फिलिंग सरला आई थिंक आसजी तुम मानक डिटेल द क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कौटर के मोड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के सबकि शेयर करेंगे कैंडिडेट्स नंबरिंग मिनिमम 5 टाइम्स तो वैकेंसी आम जो 495 500 धन्य तो 2500 पिला मिनिमम 2500 मैक्सिमम तक हिसाब से 2500 पिला सिलेक्ट कर मेन रिटन एग्जामिनेशन ओके देन मेन रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क दुईटा पेपर अच्छी गोटे पेपर 100 आउ गोटे पेपर 100 जीएसटा 100 ओडिया इंग्लीश 100 तो या भितर सब अच्छे ओडिया इंग्लीश जनरल स्टडीज ऊपर रहा मैथ रिजनिंग सब होगा ओके हियर एनेक्सर सी तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छी आम देखा आगे डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन अगेन विल बी शेयर्ड विद तो ये जिनस भी पर आसव तो ये जो कहना ये सीबीआरई हम कि यहाँ हम कि सेटा हम ये कन्फर्म ना बिकज दिस थिंग इज हियर ओके सीबीआरई हम कि मानने तुम कौ मोड्रे हम से डिटेल आम जापर नोटिफिकेशन
देख जो मैंने भी पोस्ट ऑडिटर चूज कर तुमको मैथमेटिक्स टेस्ट देवाक पड़ो एन एसआरसी तार डिटेल अच्छे अगेन द कैंडिडेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज पोस्ट टू क्वालिफाई द कंप्यूटर स्किल टेस्ट इज ऑल्सो देयर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई जूनियर असिस्टेंट एचओडी एंड जूनियर असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर ये तीन टा जो अच्छी तुम जब चूज कर तुमको स्किल टेस्ट भी देवाक पड़े मेन एग्जामिनेशन जो अच्छी तार तीन टा पार्ट अच्छी मेन एग्जामिनेशन तीन टा पार्ट रिटेन जदि तुम ऑडिटर चूज कल मैथ टेस्ट आदि तुम यही तीन टा पोस्ट चूज कर तुमको कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी देवार अच्छे है तो नेक्स्ट शैल बी कंडक्टेड ओडिया इंग्लिश एक्सेप्ट पेपर वन ये तो अच्छी ठीक अच्छे सर्टिफिकेट वेरीफिकेसन विल भी देयर देढ़ टाइम मैंने वैकेंसी हमारा 500 तो आराउंड 500 तो 500 मैंने 750 आराउंड 750 पिला डक कौन पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज देढ़ गुणा शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेन रिटन एग्जाम मेन एग्जामिनेशन ओके हाउएवर इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन एनी कैटेगरी इज लेस देन 20 जदि कौ भी ईर जब कोड़े कम दे टू टाइम्स डक तुमको क्लीयर कर अच्छा वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन नॉट द प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी इज जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर जस्ट हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ टू बी अपीयर्ड इन द मेन्स एंड मेन्स रो स्कोर ही डिसाइड कर तुम पाच ना ना पोस्ट है ओके देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग व्हिच इज वेरी बैड मत मो हिसाब से दिस शुड बी देयर बिकॉज द स्टूडेंट शुड नो राइट से मैंने जानवा दरकार मैंने आम पाखे ये अधिकार रहा दरकार कि जानवा दरकार कैसे मार्क मिली कौन ना रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग हेनी कहीं जब भूल थी कहीं हेनी जी हाँ दरकार ना बट छाड़ जहाँ सेपटर अच्छी नेक्स्ट द कमिशन मे कंडक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन रिटन एग्जामिनेशन विथ ऑब्जेक्टिव पेपर्स मे कंडक्ट रिटन थ्रू सीबीआरई मोड ए पॉइंट को नहीं बहुत जन भाव सीबीआरई रे हबो बोली मे कंडक्ट लिखाई दैट डिटेल वी कैन कम टू नो है इन द लेटेस्ट स्टेज इन द केस ऑफ सीबीआरई मोड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इज मोर देन वन सेशन वन सेटिंग विल अडॉप्ट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो एटा तो नॉर्मल जिन नॉर्मलाइजेशन विल बी देयर देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट्स 1/4 ऑफ द टोटल मार्क दैट मीन्स गोटे गोटे मार्क जो 0.25 तुम पड़े है इफ फोर ऑप्शन आउ जब तीन टा ऑप्शन रहा तो ऑप्शन भी डिपेंड ऑप्शन केमी देवे चार्टा तीन टा है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट द कमिशन शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन एज फिक्स्ड बाय द कमिशन इन देयर डिस्क्रिप्शन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल्सो सेट ही पार राइट ये तो यही जिनस लिखाई है फोर द स्टेज नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कमिशन मे फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ओके दिस ऑल्सो क्लियर ए सब पर यह जिन सब क्लीयर होट ये लिखाई है ओके फाइन क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट एज वेल एज मैथमेटिक्स विल बी 50% दिस इज फिक्स यहाँ 50% बाकी गुड़ाक नट नो based on the performance in the two papers in the main written examination and having qualified in the mathematics and computer skill test whatever applicable candidates will be shortlisted for them to eta hoche detail process gote prelim stay hobo gote main stay hobo mains bhitare mathematics computer bhi rahibo ta pare tamaro qualify kala pare document verification bujhi so ee jinso mind re rakho padhila bela ee jinso rahiba darkar mana bhitare hala chalo next The tentative date of preliminary examination is likely to be in the first quarter of 2024. First quarter, you know, first quarter माने तो मैं जाने की बात कर रही हूँ. First तीन जारी मास रही जो होगा, okay? So दे January, February, March तो January तो होगा लगे जो February, March भी तो exam. The exam date, time, venue will be conveyed in due course. Okay. The date and time and venue of the test will be conveyed. Okay. ठीक है जी. अच्छा next. ऑप्शन और प्रिफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्शन प्रिफरेंस कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कॉल्ड बिफोर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये जिनसटा को नहीं बहुत जन कन्फ्यूज सर पोस्ट कौटा प्रिफर करूँ कमी कौन करूँ कहतु बट इन दिस स्टेज नो नीड टू वरी अबाउट दिस बिकज ये जिनसटा आमर पर बिफोर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तुम मानक जनजी है तो ये पोस्ट प्रिफरेन्स वाला टेनसन ना दिस थिंग देन डकुमेंट वेरिफिकेशन र आउ बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर हो वाला तो टाई केस रे केमती कौन देखा जीवो एटा भी देछि डिटेल्स हैला अच्छा देन तुम्हारो सिलेबस पार्ट को हमें जीवा हैला
बिफोर आई कमिंग टू दिस सिलेबस मुझे आउ थे देखा चाहिए स्टार्टिंग जो तुमने देखी थो जो मैंने भुवनेश्वर रोच तुमने जानी थो नयापल्ले मुझे अविनाश पाठशाल नयापल्ले ऑफलाइन अच्छी दीटा भी बैच डेली रोच गोटे 4:30 टू 6:30 जो थे मैथ्स एंड रिजनिंग है सीजीएल ओनली फॉर सीजीएल मैंने सीजीएल बाकी ए सिलेबस जार जो जो एग्जाम अच्छी ओमास मोमास सब एलिजिबल नेक्स्ट 6:30 टू अनवर्ड 6:30 7:30 और 8:00 जाए डेली 1 आवर गोटे सेसन जो थे मैथ रिजनिंग छाड़ी करी आर आई आई मीन बैच स्टार्ट करदे ये बैच रे कौन हम प्लान 75 क्वेश्चन पर डे डिस्कशन हम तार चैप्टर मु प्रीवियस डे को इंटीमेट करदे गोटे डिस्कसन हम फुल टेस्ट रही है एवरी सैटरडे को आउ को सब्जेक्ट उड़िया इंग्लिश जीएस आउ कंप्यूटर सो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स गेट रेडी डू लेट मी नो यू हैव द नंबर नंबर एडी अच्छे तुमने देखी पार्स नंबर तुमने जनाओ 26 तारीख रु स्टार्ट हे दशहरा पर है सो गेट रेडी एस्पिरेंट्स ओके नेक्स्ट आम जा एनेक्सर सी को आम देखा सिलेबस को तुमने प्रिंट मारिक रखीदेव सिलेबस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम जो जो भी एग्जाम दौ आखि आगे सिलेबस रहा दरकार कौन पढ़वी कौन ना तो सिलेबस आमर अच्छी आरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट ग्राफ टेबल डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स गुड़ाक रही जीएस ना नहीं कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस रहा हूँ प्रिलिम्स रे है मेन्स आमर ओडिया इंग्लीश अच्छी ओडिया लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इंग्लीश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन प्लस टू स्टैंडर्ड प्रीसी राइटिंग रो प्रीसी राइटिंग यू कैन सी हियर तो सीबीआरई मोड तो लगुनी रिटर्नटा तुम जदि प्रीसी प्रीसी रखा हम तो लिखा पड़ो ना भाई पेन एंड पेपर मोड रहा यूसेज वोकैबुलरी आउ ट्रांसलेसन फ्रम इंग्लीश टू ओडिया यहाँ हो तुम देन तुम जनरल स्टडीज आसो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमी ओडिशा इकोनॉमी बजेट इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आर्ट एंड कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज प्लस टू स्टैंडर्ड सो दीज आर द थिंग्स विच आर दे आर इन द पेपर टू है देन स्किल टेस्ट जो हम तुम ए सब जिन हम स्किल टेस्ट ओके जोटा नॉर्मली आम रुए एंड मैथमेटिक्स जो ऑडिटर पोस्ट जो मैथमेटिक्स अच्छी से एरिथमेटिक रलजेब्रा रलजेब्रा स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी मेन्सुरेशन सब गुड़ाक आम जो रहा सेकेंडरी लेवल रहा सो यहीटा हूँ तुम सिलेबस है डिटेल सिलेबस जदि आम एरिथमेटिक चैप्टर विषय में कथा आई ऑलरेडी हैव इनफॉर्मड आई थिंक तुम्हें प्रीवियस टाइम भी देखी थोड़े जब जानवाक चाहो डू लेट मी नो आउ डिटेल सिलेबस सेयार करी ना कमिंग टू फॉर्म अप्लाई केमती कर वेबसाइट को जबार अच्छे वेबसाइट रे अप्लाई ऑनलाइन ऊपर क्लिक करार अच्छे अप्लाई ऑनलाइन जब क्लिक कर तुमको ऑप्शन देखा पड़गला हाँ यहाँ आसो जो रजिस्टर्ड यूजर अन यूजर जदि तुम आगू पकईज केवे तुम रजिस्टर्ड यूजर रे क्लिक कर ना न्यू यूजर क्लिक करतापर जब रजिस्टर्ड यूजर क्लिक कर लॉग इन पेज आसो है तुम जो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन को जीव जस्ट अ सेकेंड तुमको देखे दूसरी यस ये यू कैन एंटर योर यूजर नेम जब यूजर नेम ना मोबाइल नंबर ना ईमेल आईडी पासवर्ड जब मन ना ओटीपी थ्रू तुम लॉग इन कर लॉग इन कला ए लेफ्ट साइड रे तुम्हारा गोटे पेज थी से पेज रे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला थी सही री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट थी से तुम क्लिक करके प्रोसेस गुड़ाक तुम आराम से जापर इन केस तुम प्रोसेस न जापर काइंडली लेट मी नो मु तुमको हेल्प करी नि 26 अक्टोबर को जो स्टार्ट होची तुमने रेडी रु तुमने जब दूर दूर अच ऑनलाइन रो भी प्लानिंग अच्छी आई विल लेट यू नो गाइज तुमको जनइबी सीटा भी जो मैंने दूर अच तुमने तुम सांग भी इंटीमेट कर आई होप यो तुमको हेल्पफुल रहा जदि हेल्पफुल लगी सेयार करदेव आगे एंड डू लाइक गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।